सुंगटा घेतले दोनशाचे दिनान अरे सुंगटा दोनशाचे घेतले उडे तर पण किती घालले रे बरे घातले मोठे घाल मरे उडे मरे दोन हा उडे मोठे शे घाल मरे तुका रावता मरे स्पेशल या बाई वेल्ले घेतला कौन सा उसने फिश लाया और हमारे मी को देखो कैसे भाग के आ गई यही देखो बोला था ना कैसे भाग के आती है आवाज से ही मी को कौन ही ला रहे यहाँ पर सुख है फिश वाला आया ना उसका आवाज सुन के वो भाग के आते आओ इतना को भाग के आएगी अभी देखा देखती हूँ कौन सा फिश लाया उसने और उसके हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगी कौन सा भी एक रेसिपी ये देखो मेरे को कैसे आ रही है देख कैसे भाग रही है देख फास्ट ऐसे ही करते हमेशा ये देखो उसको सिर्फ आवाज से ही पता चलता है अच्छे वाला आया करके आगो तो आया था फ्रांसिस्को रुके वो शायद कपे रहे चल चल इनके देखो ये देखो यहाँ पे हमारे फिश वाला आ गया है और ये दोनों फिश वाले के पीछे मिक्कू और ये आ रही है वहाँ से रहे मोटा है गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग तर नुसतेकार येयला आमचं आता पळता त्याने कसे कसे नुसते हाडला आणि त्या हिशोबानं हा तुमकां दाखयतले रेसिपी किती करून ताल्ले आम्ही ऑलरेडी केला रेसिपी आता दुसरे आज पोस्ता किती करतलो आणि ब्लॅक पापलेट आपण मेल्ले घाल माका मेल्ले घेता येतो 100 रुपयाचे वेल्ले वेल्ले घेता ताजी आईस कढी करतले आणि सध्या तर म्हणजे बांगडे बिगिने तसे तर खाल्ले मोठी सुंगटा असा पण आज नुसतेकार सगळं हाडला म्हणजे खूप नुसतं हाडला पण ऑलरेडी याची आणि रेसिपी दाखवलेली हा म्हणजे ताल्ल्यांची बांगड्याची सुंगटाचे बिन सगळे दाखवलेले हा सो त्या त्या आयच हांवें वेल्ल्यो घेतले पण सो वेल्ल्यांच्यो फ्रायूय जाता आणि कढी जाता सो हांव तुमकां दाखयतले कढी काय फ्राय किती करतले ते आणि आणि पण त्याने मोतयाळी बीन हाडला ऍक्च्युली हे सुके गावता आणि त्याने ओले हाडल्या मोतयाळी मोतयाळी बरे जाते ताजी कढी बरी टेस्टीक जाता सुके जाय सुके करून जाय ते सुके करून गावता कढी करून गावता हे जे फ्राय हो एकदम बरे जाता सोटे जे फ्राय एकदम बरे फ्राय घेता आले गे मरे एक दोन चार आमका फ्राय करून आमका मोठे मोठे घाल रे मोठे घाल फ्राय करून झाले मोठे दोन चारच घाल तर बारीक नका दोघच जण हा सो अभी है ना मॉनसून जैसे एंटर होगा तो ये जो फिश है थोड़ा कम हो जाएगा तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी जितना भी होता है रेसिपीज बना के छोड़ रहे हैं और पूरा मछली का वो क्या बोलते हैं इसको कितने सांबराचे सांबराचे एक बहुत मोटा है बाकी जो तीनों बाबू वहाँ सगे सरिता का बार्गेनिंग चलता है इसके साथ देता भी है मुझे अट्टा फ्रेश हुई अट्टा देता है तुका रिनान सुंगटा दोन शाचे घेतले उले आणि उडे तर काय उडेता पण कितली घालले रे बरे घातले मोठे घाल मरे उडे मरे दोन हा उडे मोठे शे घाल मरे तुका रावता मरे स्पेशल तिसरे घेता गे ताल्ले बरे आपण मोठे शंभर रुपयानी किती घेतले तिसरे घेतले उजरून घेऊया गायच्या हो दितलो उजरा मैक्रेल बिन दिता पण उजरो ना हाय उडे रे सोंटा यहां पे उडे उडे म्हणता आणि मी कुकुर ते जे चालू पडलेले काय आडू ना काय आडू रे किती मी कुकुर दोन वेल्ले घेतले वेल्ले घेतलेले आणि दोन घाल मरे अगो मी कु धावपट कशे ए मी कु मी कु इले पाडू ना इजू ना अरे देव दोन दोन घालता तो अगो मी कु काय धावपट आता ना बोली ना यो यो मी ना या बे वेल्ले घेतला
ये देखना वो पहले ही ना मतलब फिश वाले का आवाज आता है ना पापा करके, तब वो पहले आती है, उसको पता है खाने को नहीं चाहिए पर ऐसे देखने के लिए हाँ वो कर रहे हैं। अभी उसको मैं दिखा रही थी, खाएगी नहीं ऐसे कुछ दिखाया तो 2 रुपया ऑनेस्ट है खाएगी नहीं देखो देखे उसको दिए बिना नहीं खाती है ऐसे, उसको क्लीन करके चाहिए, दिया तो ही खाएगी और घर पे खाएगी, इधर नहीं खाएगी, इधर नहीं खाती है। यो 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 ना VIP है अपना, यो 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 नानू तो अपो है मैं करो इचा अपो है हम चो नुस्ते का गेलो सर बाय जामे नांगा सर नुस्ते के तले ला वेल्यो 100 अशो आने मका 100 अशो तना नहीं गातला छोटा यो एजे आई जाओ तुमका रेसिपी दाखिले करी करतले एजे आनी यो जस्ट फ्राई करतले। मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, आज मैं उपमा बना रही हूँ, ये देखो आज मैं उपमा बना रही हूँ यहाँ पे, जल्दी जल्दी रेडी करना है ब्रेकफास्ट। ऑलरेडी फ्रांसिस अपना एडिटिंग करने बैठ गया है, वो कल का भी वीडियो था ना वो अभी तक किया नहीं था क्योंकि शाम को भी हम लोग घूमने गए थे कल, मतलब फ्रांसिस को कल भी एक वीडियो शूट करना था कलंगूर में, वहाँ पे गए थे इसलिए एडिटिंग कम्प्लीट नहीं हुआ है, रात को थोड़ा कर रहा था और अभी कर रहा है, सुबह सुबह उठ के एडिटिंग करने बैठ गए वो। मैं अभी ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, ब्रेकफास्ट करके बाद में मुझे खाना भी बनाना है, और हमारे यहाँ ना बहुत गर्मी होते हैं, ह्यूमिडिटी बहुत है, कहाँ बाहर निकलने को सोचो तो नहीं जा सकते। मैं एक्चुअली फ्रांसिस को बोल रही थी सुबह जाएंगे पेंजिम में जाके खाना भी, मेरा सब खाना भी बना के रेडी करती हूँ, बाद में पेंजिम जाएंगे करके, फिर फ्रांसिस बना मेरा एडिटिंग भी बाकी है तो खाना भी सब रेडी कर शाम को निकलेंगे, अच्छा रहेगा, छाव भी रहेगा, धूप नहीं रहेगा, आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। तो फिर मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, फ्रांसिस को बुलाती हूँ, फ्रांसिस देख रहे हो उसका काम हो गया है एडिटिंग का कंप्लीट, पूछते उसको। फ्रांसिस ब्रेकफास्ट रेडी। गुड मॉर्निंग गाइस, आ जाओ चलो ब्रेकफास्ट हुआ तेरा रेडी? ब्रेकफास्ट रेडी खाने के लिए आ जाओ, सुबह से एडिटिंग करने बैठा था। क्या हुआ था कल हम लोगों ने शूट किया था ना, कल एक दिन में हम लोगों ने 3 वीडियो शूट किए मेरे चैनल के लिए, तो माझे चैनल 2 वीडियो शूट केला तुझे एक, कल जो वीडियो आपने देखा है ना वो मैं अभी एडिट कर रहा हूँ, अभी टाइम हुआ है 11 हो गया है, एडिटिंग कंप्लीट हो गया है, 1 घंटे में मुझे अपलोड करके थंबनेल वगैरह सारे डाल के ये करने, 1 घंटे में ये वीडियो लाइव हो जाएगा आप देखोगे, तो ऐसे टास्क है। कल रात को मैंने एक एडिट किया था वो मेरा वीडियो एडिट कर दिया था वो आज 11 बजे जाएगा, तो ये ऐसा टास्क हो रहा है मुझे, एडिटिंग में बहुत टाइम जा रहा है, तो इसलिए मैं सविता को बोला तुम ब्रेकफास्ट बनाओ मैं एडिट करके रेडी करता हूँ अपलोड करके, और उसके बाद आज का जो रेसिपी इसने जो लिया है ये वीडियो में जो देख रहे हो रेसिपी कौन सा वेजिटेरियन की कड़ी, वो आपको बाद में शूट करने वाले हैं ब्रेकफास्ट के बाद, एक घंटे के अंदर ये सारी चीजें मुझे करना पड़ेगा नहीं तो आज भी वीडियो स्किप हो जाएगा, तो इसके वजह से ना थोड़ा वीडियो में डिले हो रहा है, कल का वीडियो आप लोगों को मिला नहीं रहेगा, कल हम लोग नहीं डाल पाए, ये हो रहा है मुझे, कभी ब्रांड का शूट होता है ना मेरे दूसरे चैनल के लिए तो मैं उस पर बिजी हो जाता हूँ, फिर एडिटिंग में मेरा काम अटक जाता है, ये अभी इन दिनों थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है दोनों चैनल को मैनेज करने के लिए, पर ट्राई कर रहा हूँ बेस्ट आपको देने के लिए, जितना ज़्यादा हो सके हम ट्राई कर रहे हैं तक कॉन्टेंट को पहुँचाने के लिए, मेरी जेब में वो MG मेरे जेब में बहुत सारे पैसा है देखो, नुस्ते बाद में मैं ना ऐसे भूल के ऐसे डाल देता हूँ मशीन में धोने के लिए, वो प्रॉब्लम है, अच्छा वो मुझे ऐसा हाथ पड़ा, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी है, फ्रांसिस आएगा, फ्रांसिस का भी एडिटिंग खत्म हो गया, आज मैंने सिंपल मतलब ब्रेकफास्ट बनाया, ये देखो आज ब्रेकफास्ट में हमारा उपमा और चाय, तो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया और अभी मैं कर रही हूँ फिश क्लीन, आज ना हम लोगों ने वेल्यू लिया है और ये छोटायो लिया है, छोटायो मैंने और भी लिया है, जस्ट अभी मैं 2 ही फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मैं और फ्रांसिस दोनों हैं और टाइम भी हो रहा है मुझे, तो फिर इसका मैं ना आज रेसिपी बनाऊंगी वेल्यू का करी बनाऊंगी, एक्चुअली ना इसका ना और भी रेसिपी बनता है, इसका ना अच्छा सा ना फिश रवा फ्राई होता है, अभी तो मैं रवा फ्राई नहीं बनाऊंगी, फ्राई नहीं करूंगी क्योंकि ये ना साइज में बहुत छोटा है, थोड़ा सा मैं नेक्स्ट टाइम ना बढ़ा लूंगी तो आपको दिखाती हूँ, अच्छा उसका ना क्रंची फ्राई होता है, और फ्रांसिस का भी एडिटिंग कंप्लीट हुआ है, फ्रांसिस मुझे हेल्प कर रहा है वीडियो पकड़ ये करने के लिए, कैमरा पकड़ने को, इधर हूँ मैं इधर हूँ तू यस, आज हम लोग कर रहे हैं ये वेल्यो के कड़ी बन रहा है, कोंकणी में इसे वेल्यो बोलते हैं, इंग्लिश में सिल्वर फिश बोलते हैं पर हिंदी में मुझे पता नहीं, अरे हिंदी में मैं बताता हूँ ना चांदी का मछली इंग्लिश में सिल्वर फिश मतलब क्या हुआ, सिल्वर मतलब चांदी, फिश मतलब मछली,
तो चांदी का मछली का आज बन रहा है कढ़ी। किदे सांगा का मजाक कर रहा हूँ, हिंदी में क्या बोलते हैं वो आप कमेंट करके बता देना। बाकी यहाँ पे ये वाला फिश, कौन सा ये वाला फिश? छोटा सा मिलता है। और अभी मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, वन बाय वन क्लीन करना है। इसको टाइम भी जाता है, इसका देखो प्रोसेस तो एकदम इजी है। इसके ऊपर ना ये शेल्स जैसे रहते हैं, इसको हम लोग कोंकणी में ना खौटा बोलते हैं। वो पूरा निकालना है मुझे दोनों साइड। किसको खौटा बोलते हैं? दिखा दो सर का। ये देखो ये ऊपर का वो शेल्स, हिंदी में क्या पता नहीं मुझे, इसलिए मैं कोंकणी में बोल रही हूँ। इसका वेस्ट, वेस्ट बोलते हैं इसको, मतलब ये खौटा बोलते हैं इसको कोंकणी में। वो ऊपर का जो रहता है ना वो पूरा निकालना पड़ेगा, दोनों साइड में रहता है। मैंने ना 100 रुपीज का ना वेल्यू लिया था और 100 रुपीज का छोटा दिया था, उसने मुझे बहुत क्वांटिटी अच्छा डाला है। ये देखो और भी मैंने यहाँ साइड में रखा है। आप भी तो फिलहाल मैं दो ही यूज करूंगी, क्योंकि मैंने मोटा वाला लिया है, इसका मैं फ्राई करूंगी, इसलिए दो ही लिया है बड़ा वाला। और ये तो मैं शाम को करूंगी क्लीन, उसका भी टाइम मिलेगा नहीं मुझे करने के लिए, क्योंकि क्योंकि हम दो ही लोग हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको दो पार्ट कर दिया। आप लोग भी आना चाहते हो ना, आ जाओ, उसके बाद हम लोग सारे कर लेंगे और साथ में करेंगे पार्टी। यहाँ पे मैंने वेल्यू भी और रखा है, देखो साइड में हाँ ज्यादा रहेगा। Yes. और मुझे क्लीनिंग करना। 100 रुपीज का हम लोग फीस लेते हैं ना, दो लोगों के लिए हमारे दो बार हो जाता है, इजीली हो जाता है। यो पण मोठे हाते ते दोनच फ्राई करतात, मगर टाइम होई ना तो करबो दोन पुरो आमका, आम्ही एक मेरा एक तेरा, बड़ा वाला मेरा छोटा वाला तेरा। माझे वाले तुझे तयार ना खाय ना, फक्त ते उलोपाचे कुछ खाने के टाइम पे ना इतना सा चाहिए, सारे मुझे खाना होता है। और ये ना मैं आज करी बना रही, मैं मेरे स्टाइल से बनाऊंगी, जो मैं कैसे बनाती हूँ ना वही स्टाइल से मैं आपको दिखाने वाली हूँ, नहीं तो बाद में सब लोग कमेंट करोगे यार ये नहीं डालते वो नहीं डालते। ये जो मैं मेरे स्टाइल से बनाऊंगी, गोवन डिश ही है, गोवन स्टाइल ही है, पर सरिता के स्टाइल से है। ठीक है, आप अगर अलग बनाते हो तो उसका कमेंट बिल्कुल दे सकते हो, कुछ सजेशन अगर कुछ ऐड करना था या फिर नहीं डालना था ऐसा सजेशन बिल्कुल आप दे सकते हो, उसको हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम। हाँ, क्योंकि सबका अलग अलग रहता है स्टाइल बनाने का, प्रोसेस भी सबका सेपरेट रहता है, इंग्रेडिएंट भी सबका सेपरेट सेपरेट सब लोग निकालते हैं। यस, तो चलो इसको फिश क्लीन करने दो, सारे कट करके रेडी करने दो, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। फिर अभी ना मैं कोकोनट ब्रेड करूँ, मुझे ना फिश करते क्लीन करते करते बहुत टाइम हुआ और मुझे बहुत लेट हुआ अभी करने के लिए। अभी मैं आधोए से क्लीन कर रही हूँ, आधोए से ये ग्रेट कर रही हूँ कोकोनट। ये देखो इसको हम लोग आधोए बोलते हैं कोंकणी में। और अभी ये ग्रेट करके मैंने हाफ कोकोनट लिया है और ये ऑनियन भी लिया है, मुझे पहले ग्राइंड करना है। मैं बाकी का प्रोसेस मैं दिखाती हूँ, मतलब जो भी मसाला लगेगा ना मैं निकालती हूँ बाद में, पहले मैं जल्दी जल्दी ये ग्रेट करती हूँ। ऑलरेडी टाइम भी हो गया मुझे, सो हांव हांगा सर कोकोनट म्हजो ग्रेट केल्लो आसा आनी मसालो काडून दवरला तुमकां दाखयता आनी कितें कितें लागता तें काडला कोरी। यहां पे मैंने हाफ कोकोनट लिया है, मैंने ग्रेट किया है, छोटा सा ऑनियन उसको मैंने स्लांटिंग करके इसको मुझे ग्राइंड करना है। और गावटी मिर्ची लिया है मैंने सूखा, ये 10-12 मिर्ची लिया है, एक स्पून हल्दी पाउडर, एक स्पून ड्राई कोथिंबीर और छोटा सा मैंने इमली का ये दिया है बॉल, इसको मुझे पूरा ग्राइंड करना है। और यहाँ पे मैंने चॉपिंग ना ऑनियन दिया है, एक मीडियम साइज का ऑनियन दिया है, इसको बारीक चॉप किया है, इसको मैं बाद में फ्राई करूंगी। और 4 कोकम लिया है। तो फिर और यहाँ पे ये देखो क्लीन करके इसको नमक लगा के रखा है। तो सबसे पहले ये जो मैंने कोकोनट भी लिया है ना ग्रेट, सब मसाला भी निकाला ना, इसको मुझे ग्राइंड करना है मिक्सर में डाल के। फिर इसको पहले मिक्सर में ग्राइंड करेंगे, बारीक पेस्ट करना है मुझे एकदम। वीडियो शूट करते करते आपके साथ मैं भी सही रेसिपी सीख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है ना अगले नेक्स्ट टाइम मैं ही कर सकता हूँ करके। हाँ, इतना मैं कहा बाहर जाऊंगी तो तू ही बना के खा लेना बाद में। मुझे क्या ये आता है पता, शॉर्टकट, मैं कांदा कट किया, मिर्ची विर्ची कट किया, डायरेक्ट मारा फ्राई और खाया। ये ग्राइंड व्राइंड करने में मेरा दिमाग ग्राइंड होता है, पर इन दिनों ना मैं पूरा सीख रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कढ़ी वगैरह कैसे करना है। किया नहीं मैंने कोकोनट कढ़ी तो कभी किया नहीं, पर मैं देख देख के मैं सीख गया हूँ। मैगी बना के खाता है बेस्ट। तो आपको अगर करना नहीं है मैगी बनाओ और खाओ, पर मैगी मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ, प्लेन मैगी नहीं, मेरा कभी मैगी आपको दिखाऊंगा, एक बार खाओगे ना भूल जाओगे मैगी खाना। हाँ हाँ, अच्छा बनाता है एक्चुअली, वेजिटेबल सब डाल के और लास्ट में मुझे वेजिटेबल सेपरेट और एक का सेपरेट। अंडा का भी बनाता हूँ, अंडा वाला मैं खाता हूँ, इसको वेज वाला देता हूँ, तो उसका भी कभी मैं दिखाऊंगा। मैगी के लिए जो लोग हॉस्टल वगैरह में रहते हैं ना उनके लिए मैगी वाला, 2 मिनट वाला नहीं है मेरा मैगी, आधा घंटे में बनता है। सो मजा आगा, मसालों पेस्ट डाल लिया ग्राइंड करो, एकदम फाइन पेस्ट करा।
आता वाडलो प्रोसेस काय ना जस्ट बॉईल करपाचे हा. त्याच्या पहिले हांवें हांगा तोप दवरलेलो हा. सो फर्स्ट स्टार्टिंग यो जस्ट ऑयल मैंने ऑनियन कट किया ना क्यूब स्क्वायर में, उसको मुझे पहले फ्राई करना है थोड़ा सा. सो मैं थोड़ा सा ऑयल दे रही हूँ और ये ऑनियन फ्राई करूँगी अभी लाइट ब्राउन. करी का जो भी रहता है ना फिश करी बहुत इजी रेसिपी रहता है. जस्ट उसको जो हाँ वो मिर्चांग जो बोलते हैं ना वो ग्राइंड करना, वही टास्क है. उसके बाद आपका कढ़ी रेडी है. बाकी जैसे मसाला वगैरह बनाते हैं उसमें क्या करना पड़ता है, प्रॉपर मसाला को फ्राई करो, भूनो उसको, टमेटोस को भूनना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है. इसमें वैसा कुछ नहीं, इसमें ये आपका रेडी हो गया ना, ये मिर्चा रेडी हो गया है तो बाकी का प्रोसेस रेडी है. यहाँ पे मेरा ना ऑनियन देखो फ्राई हो गया, लाइट ब्राउन हो हुआ इसका, अच्छा फ्राई हो गया मेरा ऑनियन. अभी इसमें मैं ऐड करूंगी ये मेरा मिर्चा जो मैंने पेस्ट किया था ना कोकोनट का, ये ऐड करूंगी. मैं भी पानी मुझे ज़्यादा डालना है ना, ये वेल्लो का कढ़ी ना आप जब भी बनाओगे ना थोड़ा पतला जैसे पानी टाइप बनाओगे ना तो अच्छा टेस्ट लगता है उसका. ज़्यादा हार्ड नहीं, ये हार्ड क्या बोलते हैं उसको, थिक. हाँ थिक ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए ये करी, एकदम लाइट बनाना चाहिए, पानी पानी. यहाँ पे ये देखो यहाँ पे मेरा करी हो रहा है और यहाँ पे मैंने साइड बाय साइड फिश फ्राई करने के लिए रखा है और ये टाइम भी हुआ ना इसलिए लोही है यहाँ, क्योंकि अभी मैंने टाइम लगा ना इसलिए लोही क्लीन किया. इसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करूँ मैं, कुछ नहीं करता हूँ ना मेरा एक्सपेरिमेंट. ओके मैं जो एक्सपेरिमेंट के बात किया ना ये फ्राई में, ये गेस कर रहा हूँ मैं क्या एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोच रहा हूँ. क्या हो सबको पता है. अभी इसमें मैं चार कोकम ऐड करूंगी, ड्राई कोकम. हाँ ये ड्राई कोकम डाला है. कोकम वाला वीडियो किसने देखा था, हम लोग रो कोकम वाला वीडियो. अरे अमित है 16 का डाला, गोवन बेलना गोवन विलेज लाइफ का जो वीडियो बनाया था उसमें जो कोकम का जो रॉ वर्जन था, जो फ्रूट्स था वो निकल के हम लोग खाए थे जंगल में, वो गोवन विलेज पार्ट टू में है. पार्ट टू में विलेज लाइफ पार्ट टू में था वो. आप लोगों ने देखा है कि नहीं, अगर नहीं देखा तो जाके चेकआउट करो. माई के घर पे गए थे तभी शूट किया था. हाँ उधर जाके हम लोगों ने शूट किया था, विलेज लाइफ शूट किया था, ऑयस्टर हंटिंग का शूट किया था, ऑयस्टर बनाने का. फिर जो बहुत अच्छा वीडियो है वो आप लोग चेक करना चाहिए, चेक करो अगर नहीं किया है तो. यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, आप लोग कमेंट करो मैं इसमें क्या एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ. सरिता ऐसा करके देख रही क्यों ऐसा करता है बारीक से. मैं कहता है अरे बोल लग तुमका आई लव दिस. अभी देखो फैन बंद है, फैन तो यहाँ पे नहीं है, कैसे पसीना है. देखो हम लोग शूट करते हैं सब पसीना गर्मी में, गर्मी इन दिनों ना दोपहर के टाइम पे सॉलिड गर्मी होता है तो शूट करने के टाइम ना पूरा ऐसे पसीना वसीना, आपको ऑयली चेहरा देख रहा होगा, मेरा भी इसका भी चलता है. आपके आज सामने है लास्ट वीडियो फिर आ रहे हैं तो लोग मका कमेंट कर देंगे विम बार. इसको मैंने लास्ट टाइम बोला था वीडियो में विम बार यूज पण लोकांनी बरे कमेंट केला, खूप से सजेशन कोणी तरी मका ममार्ताचे केला आणि कोणी किदी किदी केला. थँक्यू गाइस, हां तुम्ही असे केअर करता पण बरे दिसता आमका. ट्राय करता त्यांनी कमेंट केला विम बार वीडियोस करणार का. ऑब्विसली करतला तुम्ही कसले ते चांगला पॅक केले क्रीम फेस वॉश मीन फेस वॉश नॉट क्रीम होय रे फेस वॉश. आणि तुम्ही एक क्रीम आणला ना आमका फेस ये दावपाक, एक फ्रेंडान तेन ये कलर रेकमेंड केला सजेस्ट केला एक क्रीम येता ते क्रीम ऍक्च्युअली ते टॅन बीन रिमूव्ह जाता. आम्ही जस वॉटक बहुत असताना फुल टॅन जाता स्किन. होय हम लोग ना पूरा धूप में घूमते पूरा काम, मुझे तो देख रहे हो मैं काला हंडी जैसे दिखता हूँ वीडियो में तो होता रहता है. तो इसलिए हम लोग थोड़ा अभी सोच रहे थोड़ा स्किन प्रोडक्ट को थोड़ा यूज करें और थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा, टैन रिमूविंग क्रीम मेंटेन करना पड़ेगा बीच बीच में. बाकी हमारा है ना सोनी दीदी असम का ये गोरपा गाइड गोरपा हमारे ब्यूटिशियन है सोनिया, उसका चैनल भी चेकआउट करो आप यहाँ तक देख रहे हो तो सोनिया ब्यूटी क्रिएशन अब जाके चेकआउट करो. चलो यहाँ पे बन गया वाड़ो 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 रे पे नुस्ते हंगा तो हम वाड़ो वाड़ो म्हणतो घालते मरे गे बॉल जमगा ना ते नुस्त्याचे काय गाव बॉल झालं झालं बॉल झालं झालं बॉल येऊन मशे बरी शिजली नगडी बॉल आले की माहिती तुम घालपाक जाय झाले मरे मागे दोन एका चढ टाइम आला बारीक नुस्ते ते बरे रोकडे जाता पूरा बॉल हुआ मेरा. अभी फाइनल में इसमें डालूंगी ये मेरा फिश, इसको मैंने ऑलरेडी नमक लगा के रखा था. अरे दोनों ले दोनों ले मिकू गानी मका अरे मिकू से याद है हमारा मिकू किधर है. मिकू सोई है वो अभी नहीं उठती इस टाइम पे.
सुबह जो फिश लाने के लिए गए थे ना, फिश लेके आई, एक खाया फिश और थोड़ा खाना खाती है, और उसके बाद बेड के नीचे जाके डायरेक्ट खाती है उसका खाना। तेजक उसका फीड रहता है ना, वो खाती है और डायरेक्ट जाके बेड के नीचे सोएगी डायरेक्ट शाम को 6-7 बजे तक, जब तक उसके बाहर जाने का टाइम नहीं होता है इवनिंग वॉक का, तब तक सोती है वो। कुछ नहीं खाती, उसका एक ही ब्रांड है मियाओ का मैक्रेल फ्लेवर, वही खाती है और कुछ भी नहीं। चलो ये हो गया हमारा, करीबी हो गया यहाँ पे मेरा, खाना खाते हैं अभी, बात करते करते करीबी हो गया। देखो इसलिए बातें करना चाहिए, बातें किया ना टाइम पास हो जाता है, करीबी बन जाता है और भूख भी नहीं लगता है। हाँ। चुपचाप ऐसे चुप रुका तो भूख लगता है बाद में, ये टेक्निक है। यस गाइस, तो फाइनली हमारा रेसिपी रेडी हो गया है, अभी खाना खा रहे, थोड़ा लेट हो गया है पर ओके, खाना खाते हैं। ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे मैं वीडियो देख रहा हूँ और साथ में खाना खा रहा हूँ। ये अपना कौन सा रहे, वेल्यांची कड़ी फ्राई, ये एक्सपेरिमेंट मेरा, और अपना राइस। तो खाते हैं कड़ी का टेस्ट और क्या बताऊँ, अच्छा ही रहता है। गोवन कड़ी आपको पता है फिश कड़ी कैसा होता है, मसाला सेम रहता है, फिश उसमें अलग अलग डालते हैं, बढ़िया है। और गोवा में तो ये कड़ी के बिना दिन नहीं चलता है लोगों का, क्योंकि ये यहाँ का क्या बोलते हैं उसको, रेसिपी डिश बोलते हैं, स्पेशल डिश बोलते हैं। हर रोज़ हम लोग कहीं जाते हैं ना टूर के लिए जाते हैं, तो हम लोगों का ये रहता है। अभी जो टूर पे गए थे हम लोग नॉर्थ इंडिया के, उसमें हम लोग हर दिन याद कर रहे थे। एक दो दिन हमको अच्छा लगा, उसके बाद हमको हर दिन याद आ रहा था केन्ना आम्ही गोयान घरा या आणि आम्ही शीत कढी जो या शीत कढी, शीत इसको बोलते हैं राइस को जो चावल को शीत बोलते हैं, और कढी जो कोकोनट कढी बनता है वो कढी, तो ये लोगों का रहता है केन्ना आऊँ घरा या आणि घरा असून बरी एक शीत कढी जोऊंग दे, ये रहता है। तो ये है कढी आज का, वेल्याची कढी किया सरिता ने, बहुत अच्छा है। सिर्फ कढ़ी नहीं, आपको साइड बाय साइड ये इसका भी रेसिपी देखने को मिला, फ्राई का, है ना। तो ऐसे ही बने रहो, ऐसे ब्लॉग वीडियोस को लाइक करते रहो, जो भी सजेशन रहेगा या फिर आप किस रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो उसको कमेंट डाउन करो। आई 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 आई, ये हमारा आवाज़, हम लोग खाना खा रहे हैं ना, आवाज़ सुन के आ गई वो। चलो वो एक्चुअली उठती नहीं है ये टाइम पे, जल्दी उठ गई आज की। चलो हम लोग खाना खाते हैं। तो ये ब्लॉग जो भी है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।